हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव डेटा के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में बात की थी जिसके फोर बेसिस थे फर्स्ट इज क्वालिटेटिव डेटा सेकंड इज़ क्वांटिटेटिव डेटा थर्ड इज़ क्रोनोलॉजिकल डेटा और फोर्थ इज़ जोग्राफिकल डेटा तो इनको जो डेटा है इनको इस इन बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है तो हम डिस्कस करेंगे आज फर्स्ट क्वालिटेटिव डेटा दो का द क्लासिफिकेशन ऑफ़ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव अच्छा क्वालिटेटिव डेटा को डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स लाइक रीजन कास्ट सेक्स जेंडर एजुकेशन इन सब के बेसिस पे डेटा को क्लासिफाई किया जाता है इसी को हम क्या कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड क्वांटिफाइड मतलब कि ये न्यूमैरिकल डेटा नहीं होता है इसमें इसके टू टाइप्स हैं सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोड क्लासिफिकेशन नेक्स्ट आता है सिंपल क्लासिफिकेशन सिंपल क्लासिफिकेशन में क्या आता है व्हेन बेस्ड ऑन ओनली वन एट्रीब्यूट जब हम केवल एक ही करेक्टर को लेके क्लासिफाई करते हैं तो इस टाइप के जो डेटा को हम क्या बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन जैसे एग्जाम्पल हमने लिया वैन द पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू लिटरेट एंड इलिटरेट कि हमने एक पॉपुलेशन ली और उस पॉपुलेशन को हमने डिवाइड किया टू डिवाइड किया हमने दो में दैट इज़ लिटरेट एंड इलिटरेट तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही करेक्टर लिया है एक ही एट्रीब्यूट लिया है दैट इज़ लिटरेट एंड इलिटरेट तो इसको हम बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट आता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में वेन बेस्ड ऑन मोर देन वन एट्रिब्यूट, जब हम एक से ज़्यादा करेक्टर्स को लेकर बात करते हैं या डेटा को क्लासीफाई करते हैं अलग अलग क्लासेस में सब क्लासेस में तो इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन फ़ॉर एक्जाम्पल वेन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन टू लिटरेट एंड इ लिटरेट सिंपल क्लासीफिकेशन में हमने क्या किया था सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट लिया था हमने क्या किया था पॉपुलेशन को लिटरेट और इिटरेट दोनों में डिवाइड किया था सिर्फ यहीं तक फिनिश हो गया था सिंपल क्लासिफिकेशन लेकिन मैनी फोल्ड क्लासीफिकेशन में क्या किया है कि हमने लिटरेट और इलिटरेट इनको हमने सब डिवाइड किया है मेल एंड फीमेल में लिटरेट को डिवाइड किया मेल एंड फ़ीमेल में इलिटरेट को डिवाइड किया मेल एंड फ़ीमेल में अब इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं लाइक मैरिड एंड अनमैरिड इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं मैरिड मैरिड एंड अनमैरिड और इसी तरीके से जो इलिटरेट हैं उसमें मेल को भी मैरिड एंड अनमैरिड एंड फीमेल को भी मैरिड एंड अनमेरिड इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं तो ये बात हुई क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थैंक यू